सर्दियों का मौसम था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे थे। वो सब बार बार कौं कौं कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। ठीक इसी समय एक चिड़िया आई और उसी नीम की डाली पर बैठ गई। चिड़िया को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी चिड़िया ने कहा कि गहरे बादल छाए हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। चिड़िया बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं, इस सर्दी में अगर बारिश हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए, तू बहुत भगवान का नाम लेती है ना, तो भगवान के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अगर तू नहीं जाएगी तो हम सब तुम्हें मारेंगे। वैसे भी कौवे तो स्वभाव से झगड़ालू होते ही हैं। वो शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बगैर उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कौं कौं करके झगड़ते हैं। कौन सा कौवा किस टहनी पर रात में बैठेगा, यह आसानी से तय नहीं हो पाता। इसके लिए उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर कैसे बैठने दे सकते हैं। कौवे अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर चिड़िया को मारने के लिए दौड़े। कौवों को कौं कौं करते अपनी तरफ झपटते देखकर बेचारी चिड़िया वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, बड़े आलू जैसे ओले, तड़तड़ भड़बड़ बंदूक की गोली जैसी रफ्तार से पड़ रहे थे। कौवे कौं कौं करके चिल्ला रहे थे, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, लेकिन ओले की मार सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बहुत से कौवे मारे भी गए। चिड़िया जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। वो डाल अंदर से सड़ चुकी थी और खोखली हो गई थी। पेड़ के जिस हिस्से से डाल टूटी थी उस जगह एक छोटा सा गड्ढा हो गया था। चिड़िया उसमें घुस गई, उसे एक भी ओला नहीं लगा। सुबह हुई और चमकीली धूप निकलने लगी। चिड़िया उस कोतड़े से बाहर निकली, उसने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से उड़ गई। जमीन पर घायल पड़े हुए कौवों ने चिड़िया को उड़ते देख बड़े कष्ट से पूछा, चिड़िया बहन, तुम रात में कहाँ थी, तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया। चिड़िया बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसलिए जो लोग विपत्ति के समय किसी का साथ नहीं देते, न तो उनको आश्रय देते हैं और न ही उनकी मदद करते हैं, उनका अंजाम तुष्ट कौवों जैसा ही होता है। वह मानव मानव नहीं जो अन्य मानव के काम ना आवे। जय हिंद, जय भारत।